एक बूंद अगर पत्थर पे गिरेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो एक बूंद लगातार वर्षों तक गिरती रहे ना, पत्थर में भी छेद हो जाता है। आ रही बात समझ में? आप इंसान हैं, नेगेटिव चीजें हमारी तरफ हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और नेगेटिव चीजें ही हमें बर्बाद करती है। नेगेटिविटी से दूर रहो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नेगेटिव विचारधारा से दूर रहो, मेहनत करो, है ना। आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसकी कद्र करिए, उसके साथ मेहनत करिए, नहीं तो आप आखिरी तक संतुष्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अब सुनना ही पड़ेगी आपको। एक छोटी सी कहानी सुन के जाओ, मैं आपको बताता हूं आप लोग की स्थिति क्या है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी था, बेचारा अनपढ़ था, बहुत समय से फल बेचने का काम करता था। उसकी एक बढ़िया छोटी सी दुकान थी और उस गांव में उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, यहाँ पे बढ़िया उसके फल रखे हुए रहते थे। लेकिन बस एक ही गलती थी उसके साथ, गलत बात थी कि वो अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन व्यापार की सूझ उसको बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसने अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, बच्चा बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत ज्यादा समझदार हो गया, और विदेश में आ गई मंदी, तो ये आया अपने गांव, अपने पिताजी को देखा कि पिताजी का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो रोज दिन रात अपने पिताजी को क्या बोलता था, मंदी आ गई है, मंदी आ रही है। अब बेचारा अनपढ़ था, उसने सोचा लड़का इतने बड़े देश से पढ़ के आया है, समझदार बात करता होगा। तो पिताजी उसकी बात सुन सुन के ना फल लाने में थोड़ी सी कमी करने लगे कि बेटा बार बार बोल रहा है मंदी आने वाली है। जब वो कम फल लाने लगा तो उसके लोग को दुकान पे ज्यादा फल नहीं दिखते थे, तो वो फल भी कम खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी बिक्री कम होती गई, धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि दुकान बंद होने की कगार पे आ गई। लेकिन बाप और बेटे दोनों खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि वो पिताजी अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा सही करा अपन ने कि अपन ने धीरे धीरे अपने खर्चे कम कर दिए, मंदी आ गई और आज देखो बर्बाद हो गए अपन। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मंदी आई नहीं थी, बार बार सुन सुन के वो बेचारा जो अनपढ़ बाप था, उसने सोचा बेटा सही बोल रहा है, उसने अपने व्यापार में कमी करने लगी, दुकान बंद हो गई। लेकिन आज तक वो क्या समझते आया कि दुनिया भर में जो मंदी आई थी, इस कारण मेरा व्यापार बंद हो गया। छोटी सी चीज है अगर आप समझ पाए, जब आप बार बार चीजें सुनते रहते हो ना, तो आपको लगने लगता है ऐसा ही होता ही होगा, है ना। ये विषय इतना कठिन है, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये ऐसा है, वो वैसा है। YouTube पे हजारों, मैं बोलता हूँ YouTube के इन लोगों में पंडित बोलता हूँ, YouTube के पंडित, ज्ञान रत्ती भर का नहीं है, लेकिन व्यूज पाने के चक्कर में आप जैसे नादान कलियों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, है ना। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चलता है, बर्बाद आप होंगे, याद रखना। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बात करने वालों से दूर रहो, तभी आप खुश रहोगे। जितना नेगेटिव विचारधारा के बीच में रहोगे, जितने नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, आप पे असर पड़ेगा। ये बात एकदम सत्य है। जो सुनोगे, जो देखोगे, जो बार बार गलत विचारधारा अपने दिमाग में लाओगे, असर पड़ेगा, क्योंकि तुम इंसान हो, इंसान के अंदर भावनाएं होती है, असर पड़ता है ना, चाहे कितने मजबूत हो, क्योंकि इनडायरेक्टली जब बार बार मार पड़ती है ना, असर पड़ता है। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम योगा करिए, अपने आप को शांत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि जो करना है इन 2-3-4 महीनों में करना है और इसी में फोड़ना है, और आप कर सकते हो।